हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक ही को बाहर बिठा दिया? ये इंग्लैंड ने क्या कर दिया, हैरी ब्रूक ही को बाहर बिठा दिया। अब आप कहेंगे कि क्या टीम है यार, हैरी ब्रूक की जगह तक नहीं बनी इस टीम में। किसी में दम है उन जैसा खिलाड़ी बाहर बिठाने का? बात इतनी सीधी नहीं है भाई, हैरी ब्रूक कोई आम खिलाड़ी नहीं है। हाँ, इंडिया में कभी नहीं खेले, लेकिन उससे मिलती जुलती कंडीशंस में तो कमाल दिखा चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में जहाँ अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स हैरी ने खेली हैं 11 इनिंग्स और बनाए हैं 706 रन, एवरेज है 88 से ज्यादा का और स्ट्राइक रेट 109। यहाँ ब्रूक की 250 हैं और 3 सेंचुरीज भी। हेलो हैरी ब्रूक, ओके। अपने करियर में ब्रूक ने सबसे ज्यादा रन यहीं पर बनाए हैं, सबसे ज्यादा सेंचुरियां यहाँ हैं और सबसे ज्यादा 50s भी यहीं हैं। तो इंडिया से इतनी मिलती जुलती कंडीशंस में ऐसी परफॉर्मेंस पर क्यों निकाला? तो उनकी जगह डेविड मिलान ने ले ली है, लेकिन उनका अपना रिकॉर्ड क्या है? है क्या डेविड में? सिर्फ 18 वनडे मैचेस तो हैं क्रेडिट पर, उनमें से भी सिर्फ 2 इंडिया में खेले हैं, वो भी तकरीबन 2.5 साल पहले, जिनमें बनाए सिर्फ 66 रन। हाँ, आप कह सकते हैं उन्हें बॉलिंग का एडवांटेज हासिल है, तो भाई इन मैचेस में तो मलान से कभी बॉलिंग भी नहीं करवाई गई, तो ब्रूक की जगह मलान का सिलेक्शन, हमको समझ नहीं आया भाई। घूम घाम कर बात वहीं आ जाती है बेन स्टोक्स पर। हमें तो लगता है स्टोक्स की वापसी खा गई हैरी ब्रूक को। बेन स्टोक्स ने पिछले साल वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली थी, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अब अचानक शाहिद अफरीदी बन गए और कर दिया वापसी का ऐलान। अब स्टोक्स के लेवल का प्लेयर हो, इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाला खिलाड़ी हो, इंडिया में अच्छा रिकॉर्ड भी हो, बल्कि सबसे ज्यादा वनडे रन ही इंडिया में हो, तो वापसी तो बनती थी बॉस। तो एक साल से रिटायर्ड खिलाड़ी टीम में आ गए और नुकसान बेचारे हैरी का हो गया। और हाँ, हम तो भूल ही गए, हैरी ब्रूक आखिर आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी तो थे। वैसे तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन जो सेंचुरी बनाई थी ना केकेआर के अगेंस्ट, देखने वाली इनिंग्स थी। उनके मुकाबले में डेविड मलान ने तो आखिरी बार आईपीएल 2021 में खेला था, वो भी सिर्फ 1 मैच, तो दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है बॉस। मैं तो अब भी कहती हूँ हैरी ब्रूक को वापस लाओ, आप क्या कहते हैं? हैरी को वापस लाओ, हैरी को वापस लाओ।